आएगा उसी को देनी है, और वो जिनके बहुत कम समय रह गया, मानो 2 महीने 4 महीने रह गए हैं, उनको डिग्री वहाँ से कैसे मिले, वो फिर जैसे। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। और सुबह सुबह मेरे बेला ने मेरे को जगा दिया, मैं मस्त हो रहा था, तो बेला आई, अब पूरा मुंह बहुत चाट गई। तो आज का प्लान ये है कि थोड़ी देर पहले सीएम ऑफिस से कॉल आया था कि जाना है मेरे को कहीं पे, उन लोग इंटरव्यू वगैरह लेंगे, तो वो खुद से कार आएगी 8:45 और अभी टाइम मेरे 8, तो मेरे पास 45 मिनट्स टाइम है, तो चलता हूँ, रेडी होता हूँ। और ये देखिए पहला का हरकत है, गुड मॉर्निंग तो इसे बोलते हैं, घर पे रहो, बेड पे चाय आ जाए, साथ में बिस्किट, वाव। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्पेशल फ्लाइट्स वहाँ से चलाई गई और उसमें अधिकांश लोग वापस लौट आए हैं, फिर भी कुछ अभी शहरों में फंसे हुए हैं और बॉर्डर्स के ऊपर जो लोग हैं वो फ्लाइट्स लेकर के जा रही है। मैं समझता हूँ कि जो लोग अंदर रह गए हैं वो सुरक्षित कैसे निकले, इसकी चिंता प्रधानमंत्री कर रहे हैं। हम लोग भी लगातार अपने हरियाणा के लोग उनसे संपर्क बनाए हुए हैं, 1800 के आसपास हरियाणा के जो छात्र थे उसमें से 80 के आसपास अभी भी यूक्रेन में शहरों में जो है उनका संपर्क बना है, और कैसे वो निकल सकते हैं उसकी चिंता हम सब कर रहे हैं। और जब सब वापस आ जाएंगे तो फिर आगे इनके भविष्य की चिंता भी ज़रूर भारत सरकार भी करेगी, एम सी आई करेगी, और हम उसको फॉलो करेंगे और हम भी कोई अच्छे सुझाव उनको देने वाले हैं। पढ़ाएगा उसी को देनी है, और वो जिनके बहुत कम समय रह गया, मानो 2 महीने 4 महीने रह गए हैं, उनको डिग्री वहाँ से कैसे मिले, वो फिर जैसे ही थोड़ा सा शांत होगा वातावरण तो वहाँ के लोगों से बातचीत की जाएगी, इनको डिग्री लेने के लिए वहाँ ना जाना पड़े, यहीं कोई व्यवस्था हो जाए, लेकिन ये सब चीज़ें एक वातावरण से अनुकूल हो जाएगा उसके बाद की विषय। थैंक यू सर। सो सुबह सुबह गए थे सीएम से मिलने, और मतलब वो खुद आए थे कार लेके मतलब पिक करके लेके गए और ड्रॉप भी करके गए, जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले वीडियो भी देखा होगा। और उनसे हम लोगों ने ये बात की, लाइक हम लोग जो आ चुके हैं इनके लिए आगे का क्या सोचा है, तो उन्होंने कहा कि 6th ईयर वालों के लिए एक हमने रखा है, 6th ईयर और 5th ईयर वालों के लिए जो इंटर्नशिप होगा वो यहीं से होगा, और जो 5th ईयर के नीचे हैं उनके लिए हम लोग सोच रहे हैं कि लाइक अगर हो सके तो कोई दूसरे कंट्री का लाइक ट्रांसफ़र ले सके, मगर MCI के रूल्स के हिसाब से वो नहीं है, मगर इस सब थोड़ा सा शायद नॉर्म्स चेंज करने के लिए वो लोग प्रेशर करेंगे कि लाइक जो भी देश चेंज करना चाहेगा तो चेंज कर सकता है, सिर्फ यूक्रेन वालों किसी भी देश में ले सकते हैं, ये शायद हो सकता है। इन्हों मतलब जिन्होंने जितना CM साहब ने कहा, और बाकी अभी अभी वहीं से आ रहा हूँ, और वहाँ से मेरे को अभी एक डार्क चॉकलेट मिला है, तो अभी मम्मी को दिखाया, बेला तो देख के कूदने लग गई। अभी अभी जस्ट CM ऑफिस से आया हूँ, और आने के बाद मम्मी ने खाना लगा दिया है, बहुत घर का खाना मैं बहुत मिस कर रहा था। सो आगे आज है एग करी, और ये है प्याज कली, जो प्याज के ऊपर नहीं लगते वो है ये, मैं घर का खाना क्या मस्त लग रहा है, और थोड़ा सा स्पाइसी बनाया ना इसके अंदर भी एक दो करके, मम्मी ने वो ग्रीन चिली डाल दिया है, तो बहुत ही स्पाइसी लग रहा है, मज़ा आ रहा है घर का खाना खाने में। शाम के अभी 5:30 टाइम हो रहा है, और मैं और बेला दोनों छत पे खेल रहे थे, बहुत मजे कर रहे थे, और थोड़ी देर में मेरी फ्रेंड आने वाली है, जो कि ना आप लोग जानते ही हो, जो हम इवानो में पढ़ते थे, नेहा, तो वो आएगी, और मम्मी ने उसके लिए कुछ स्पेशल बनाया है खाना, देखते उसे पसंद आती है नहीं आती है, बाकी तो उसके ऊपर है कि क्या ऐसे लगता है। बाकी ये जो व्लॉग है ना, आज वाला व्लॉग आया था कि रोमानिया से लेके घर तक आने का सफ़र, ये व्लॉग में इतना प्यार दिखाया आप लोगों ने, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो अभी 5:30 हो रहा है, 5:45 हो रहा है टाइम, तो अपनी चाय आ चुकी, शाम की चाय, अपना चाय एंजॉय करते हैं, साथ में कुछ स्नैक्स हो जाते तो मज़ा आ जाता। जो थोड़ी देर पहले बता रहा था कि मेरी दोस्त आने वाली है नेहा, वो आई थी, आके चली भी गई, मैं व्लॉग नहीं बनाया, बस थोड़ी देर चिट चैट कर ली थी, मतलब वो हम लोग लास्ट मिले थे 27th को, और उसके बाद फिर आज मिले,
तो हम लोग ने ब्लॉग बनाना भूल ही गए, बात करने में लग गए, और ज़्यादा नहीं 10 या 20 मिनट वो रुकी थी, फिर अंकल आंटी वो सब आए थे, तो वही बात चल रही थी कि क्या होगा फ्यूचर को लेके। और जैसे कि मैं गया था सीएम साहब के पास, उन्होंने भी वही बोला सीएम ने कि हम लोग सोचेंगे जो लोग बाहर पढ़ रहे हैं उनके लिए क्या होता है। मुझे लगता है यूक्रेन कम बैक करेगी, हम लोग को नेक्स्ट सेमेस्टर में जाना हो सकता है, ये मेरा ऐसे मन में लग रहा है, बाकी आगे का पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, और देखते क्या होता है। बाय द वे अभी मैं बाहर गया था और जस्ट अभी अभी आया हूँ, और मम्मी बोल रही है कि तेरे हाथ का कुछ बना दे खाते हैं, कोई भी गंदा सा कुछ। मैं बोलता हूँ कि ठीक है मैं आज चिकन बनाता हूँ, तो अभी अभी चिकन लेकर आया हूँ और बनाता हूँ चिकन। बहुत लोग चिकन नहीं खाते हैं उनके लिए सॉरी, मगर आज संडे है मैं थोड़ा बहुत तो खाना चाहिए, घर पे आकर भी मम्मी पापा को किसी के साथ खाया नहीं है। और बेला को पता नहीं क्या ढूंढ रही है, उधर कुछ गिर गई है, तो क्या गिरी थी पता है, मास्क, इसको चाहिए मास्क, बहुत सारे मास्क उसने खराब किए देखो। ऑलमोस्ट खाना बन चुका है और बस इसको ढक दूंगा और 10 मिनट बाद फ्लेम धीरे करके उठा लूंगा, बस खाना हो गया। और अभी चाचा को भी बुलाया तो वो भी आएंगे, साथ में सब मिलके खाएंगे बहुत दिनों बाद। सब खाना पीना तो हो चुका था, खाना पीना होने के बाद अभी आया हूँ चाचा को छोड़ने। तो चाचा को छोड़ने आया तो चाचा ने बोला कि क्या खाएगा, मैंने बोला रात को अब क्या ही खाऊँ, मिठाई खाने का मन कर रहा था, फिर देखा सामने आइसक्रीम, तो बहुत दिनों बाद एक कॉर्नेटो लिया है, और अभी चाचा ने एक लिया मैंने एक लिया, तो मैंने खाया नहीं, तो मैं सोचा कि रूम में जाकर ही खाऊंगा क्या ही बाहर खाऊं, तो अभी लेके रूम तक जा रहा हूँ, मतलब हॉस्टल का रूम बोल बोल के ना ऐसे दिमाग में बैठ गया है, अपने घर जा रहा हूँ, घर जाके खाता हूँ और तब मिलता हूँ, तो रूम में पहुँच के फिर मिलता हूँ। सो, कितने सालों बाद या कितने महीनों बाद आज मैं कॉर्नेटो खा रहा हूँ दोबारा, सो, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। चलिए मैं अपना बाइक ले लेता हूँ। सो, आज पूरे दिन तो बहुत बिजी में गुजरा और बहुत कुछ नया नया चीज़ हुआ मेरे साथ जो पहले कभी हुआ ही नहीं था, जैसे कि आपको देख लिया होगा। और बेला मेरे को अभी रात को सोने नहीं दे रही है, पूरा मचा धूम मचा रखी है, बहुत ज़्यादा खेल रही है, उसके साथ अभी खेलना है, तो मैं थोड़ा सा उसको खिलाता हूँ और इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ एक लाइक कर दो, शेयर करो, और जो भी होगा जैसे क्वेश्चन पूछ सकते मैं बता दूंगा, बाकी मेरा कमेंट बॉक्स भर चुका है, आज आप लोगों ने जो प्यार दिखाया थैंक यू सो मच।